से इसका व्यू आप देखिए कितना सुंदर है, कितने अच्छे तरीके से इस पे। दूर है, 2 सवा 2 किलोमीटर दूर है, जो कि खतरों से किया जाता है। और ये लगभग इसका बाहरी पोर्शन है, अच्छा स्टील, अच्छी ईटें। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष ब्लॉग में। अभी मैं हूँ कांडा में, जो कि ढापचौर और जखनियाली के बीच एक गांव कहेंगे या एक मोहल्ला कहें पड़ता है। यहाँ पर पंडित लोग निवास करते थे या करते हैं, जो कि शिक्षा, व्यवसाय और नौकरी के उद्देश्य से अभी यहाँ से बाहर हैं, देश विदेशों में, और बहुत ही उच्च प्रतिष्ठित पदों पर हैं। यहाँ पर इनके कुल देवता का मंदिर है, श्री नगेला देवता का। हर साल ये लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जात होती है, पूजा पाठ होती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर एक तो हॉल का निर्माण ये लोग करवा रहे हैं, ताकि क्योंकि जब जात होती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उनके चिरपरिचित रिश्तेदार और खुद हम पारिवारिक लोग। तो रहने के लिए एक हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। किस तरह से ये हॉल बनाया जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये इसका बाहरी पोर्शन है, 28x32 यानी 28 × 32 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसमें एक बरामदा हॉल, किचन, एक रूम और टॉयलेट्स हैं। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। देवता के प्रति, कुल देवता के प्रति इतनी आस्था, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ साल में एक बार आना इन लोगों का होता है यहाँ पर देव पूजा के लिए, और उसी के लिए लाखों रुपए खर्च करके ये हॉल बनाया जा रहा है। उच्च कोटि की सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है, अच्छा स्टील, अच्छी ईंटें, अच्छे सरिया, आप देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पर कार्य चल ही रहा है। सर्वप्रथम बाहर से इसका एंट्री गेट है, और यहाँ पर एक हॉल है, बरामदा जिसको हम कह सकते हैं। और ये इसका किचन है, बहुत बड़ा किचन है। अभी यहाँ पर फिनिशिंग होना बाकी है। और ये यहाँ पर है इसका दूसरा कमरा, यहाँ पर अभी तराई चल रही है। और ये है इसका शौचालय है यहाँ पे। अभी बाहर से मैं इसको दिखाता हूँ। अपने इष्ट देवता के लिए इतनी श्रद्धा इन लोगों की कि आप सोच सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर यहाँ से सड़क है, और वहाँ से खच्चरों में और मजदूरों से ये सामग्री ढुलवाई गई है, और इतना बड़ा हॉल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया है। ऊपर से इसका व्यू आप देखिए कितना सुंदर है, कितने अच्छे तरीके से इस पर स्टील की चादरें लगाई गई हैं। ये सारा जो काम है, यहाँ के जो मिस्त्री हैं लोकल, श्री विनोद शाह जी और खुशपाल शाह जी को दिया गया था, जो सारा ये काम देख रहे हैं। अभी मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ। ये लोग यहाँ पर पूरा दिन काम करते हैं, सुबह गांव से आते हैं और शाम को ही जाते हैं। यहाँ खाना भी इनका यहीं बनता है। तो मैं आपकी इनसे बात करवा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं जो यहाँ के हेड मिस्त्री हैं, श्री विनोद शाह जी, जिनके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास है, काम दे रखा था पेटवाल जी ने, सब लोगों ने मिलके दे रखा था ये काम। तो इसका ढलान काफ़ी दूर है, 2 सवा 2 किलोमीटर दूर है, जो कि खच्चरों से किया जाता है।
और ये लगभग लगभग 20 लाख के ऊपर ऊपर ही है काम जा रहा है ये, क्योंकि काम काफ़ी बढ़ गया इसमें, ढुलान के कारण ज़्यादा काम बढ़ गया, इसलिए जो है काम काफ़ी महंगा जा रहा है। और जो सीमेंट सरिया रूढ़ी बजरी वो काफ़ी दूर से आती है। बाकी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा खाना खुना सारा यहीं बनता है, सुबह 8:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक काम करते हैं हम लोग, फिर शाम को जाते हैं घर में। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी अनगिले देवते की कृपा है, बाकी पेट वालों बराबर पैसे देते रहे, बराबर काम चलता रहा। बीच में मेरा कहीं और काम था, वो गया था मैंने थोड़ा 1 महीना लेट, इसलिए वो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इन लोगों की श्रद्धा है अपने कुल देवता के प्रति, नगेला देवता के प्रति, इन सब पर नगेला देवता का आशीर्वाद बना रहे, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, आप सब पर आशीर्वाद बना रहे। नगेला देवता की जय। इसी के साथ ये ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ। जय हो नगेला देवता की।